हेलो दगड़ियो, स्वागत छु मेर नई ब्लॉग में। अगर तुम पर मेर ब्लॉग पसंद आ छो, वीडियो पसंद आ छो, तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सकर अगर सकर छठू अध्याय पढ़ी जल। माँ कात्यायनी दिन छु, आज छठू नौत छु, तो माँ कात्यायनी पूछ ले आज। षष्ठम अध्याय ध्यान। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अखंड में निवास करने वाली प्रमोत्कर्ष की पदामृति देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं, नागों के कपड़ों में सुशोभित होने सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके छठे अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि कहने लगे, देवी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया और दैत्यराज को समाचार विस्तार पूर्वक सुना दिया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज क्रोध से आग बबूला हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम तुरंत अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई सामने आए, वह चाहे देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे भी अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ की यह आज्ञा पाकर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस पर समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटे पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा, तब अंबिका ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया और क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना पर अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने लगा। सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना को का सफाया कर डाला, तब दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया, उसके ऊंट कांपने लगे। उसने चंड मुंड नामक दो महादैत्यों की आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम दोनों बहुत ही बड़ी सेना लेकर जाओ, उसे बालों से खींचकर अथवा बांधकर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के सारे असुर मिलकर उसको मार डालना। इस दुष्टा के मर जाने तथा सिंह के बारे में भी सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र लौट आना। धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।